तो पूरा कोर्ट परिसर जो है नारेबाजी से गूंज रहा है। और आप देखिए कि किस तरीके से जो है हेमंत सोरेन को जो है बाहर कड़ी सुरक्षा में लाया जा रहा है। और आप देखिए कि जो है बार बार नारेबाजी लग रही है। और ये तस्वीरें देखिए कि बाहर किस तरीके से जो है ईडी के अधिकारी के साथ साथ जो है मुश्ताक आलम जो जेएमएम की जिलाध्यक्ष है वह निकल रहे हैं। और ये देखिए बाहर हेमंत सोरेन निकलते हुए और किस तरीके से जो है तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं ईडी के वह आप देख रहे हैं कि नारेबाजी लगा रहे हैं। सीआईएसएफ की भारी सुरक्षा जो है तैनाती की गई है और आप देखिए किस तरीके से जो है उनको ईडी कोर्ट जो है ले जाया जा रहा है और मुलाकात करने के लिए देखिए किस तरीके से जो है मुलाकात करने के लिए सभी एक झलक देखने के लिए जो है हेमंत सोरेन को और क्या कुछ कहना है पूरे इस पूरे मामले पर लेकर कार्यकर्ताओं का यह भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ। तो ये देखिए नारेबाजी जो है लगातार जो चल रही है और ये क्या कुछ कहना है वो बातचीत करने को तो ये आप देख रहे हैं किस तरीके से तमाम जो ये अधिवक्ता है क्या कुछ कहना है वह भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। और बार बार जो है नारेबाजी आपने देखा कि किस तरीके से की जा रही थी और उसके बाद क्या कुछ मुश्ताक आलम जो जिलाध्यक्ष हैं उनका कहना है क्या कुछ कहा गया है ये बताएं। हेमंत सोरेन की तरफ से यही कहा गया है कि मुझे बेसमेंट में रखा गया है जहां धूप का और हवा पानी का वेंटिलेशन नहीं है जिससे मुझे दिक्कत हो रही है, मेरा स्वास्थ्य में असर पड़ रहा है। यही बात उन्होंने कोर्ट में क्या कुछ कहा है। कोर्ट ने अपना फैसला वही दिया कि 5 दिन और रहेंगे, कुछ भी नहीं कहा कोर्ट ने, कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा उसका कुछ नहीं कहा है कोर्ट ने। जमीन के लेकर के एविडेंस मांगा गया था, उनके पास कोई भी एविडेंस नहीं है, ये खाली खाना पूर्ति हो रहा है और मैं समझता हूँ कि टाइम वेस्ट करने की बात हो रही है। दूसरे तरफ मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से ही अपने आदिवासी भाइयों को कहना चाहूँगा कि बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आदिवासी जमीन लेकर के और कब्जा किए हुए हैं और उस पर आलीशान मकान और महल बनाए हुए हैं, सभी आदिवासी भाई अपने अपने जमीन का खाता खतियान जमा करके और इसी ईडी के कोर्ट में जा करके डेली 500,000 की संख्या में जा करके आवेदन दें कि मेरी जमीन का भी लूट हुआ है विभिन्न नेताओं के द्वारा, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। दिया है हम लोगों को माननीय न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि जेल का ताला टूटेगा और हेमंत भैया छूटेगा, इसके अलावा हम लोग और कुछ अभी नहीं कह सकते। बस हम लोग को भरोसा है पूरा माननीय न्यायालय का कि आने वाले दिनों में हम लोगों को न्याय मिलेगा। विधानसभा में जैसे वो कहे कि कोई कागज, नो कमेंट, इस पर कुछ हम लोग नहीं कह सकते। इस तरह से होना ये सही नहीं है, इसलिए कि खुद जैसे कि सुनने में आया है कि न्यायालय ने 5 दिनों का उन्हें फिर से रिमांड पर दिया गया है। अब न्यायालय का जो आदेश निर्देश है वो तो ईडी के द्वारा जो मांगा गया था वो दे दिया गया है, पर कार्यकर्ताओं की भावना है कि सत्य की जीत होगी और निश्चित रूप से हमारे लोकप्रिय नेता बाहर आएंगे, यही आशा और विश्वास के साथ सभी कार्यकर्ता के साथ जुड़े हुए हैं। रिमांड इनको जो लिया गया था उस 5 दिन के रिमांड में बहुत नहीं के बराबर इनको पूछताछ किया गया और बेवजह का सिर्फ उनको वहाँ रखा जा रहा है, पूछताछ कम कर रहा है लेकिन समय व्यतीत कर रहा है और फिर 5 दिन का रिमांड। ये रिमांड सिर्फ प्रताड़ित करने के लिए रिमांड ले रहे हैं, ऐसा बहुत कुछ नहीं है। शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना इनको दिया जा रहा है उस तरह का रूम में रख के, तो ये कहीं से भी सही नहीं है। अगर इनको रिमांड में अगर उनको लेना ही था, रिमांड लिए भी तो जितना समय के लिए रिमांड लिए हैं उस पूरे समय का सदुपयोग होना चाहिए। उनसे पूछताछ करने के लिए रिमांड लिया गया है तो पूछताछ होनी चाहिए, ना कि सिर्फ ले जाके कमरा में अब डाल के रख दें और वो भी इस तरह का जहां कोई खिड़की नहीं, हवा आने का कोई जगह नहीं, वैसे रूम में सिर्फ बंद करके रख देना और पूछताछ के लिए रिमांड लिया जाता है, पूछताछ नहीं करके इस तरह से रख देना ये कहीं से भी उचित नहीं। नया आधार बनाया ट्रांसफर पोस्टिंग